तो कैसे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैकेट से विद पंकज में। और इसमें अपन ना डायरेक्टली ये बात करने वाले हैं कि यार आपको पेड कोर्स जो होते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मेजरली मैं मैथ्स के लिए बात करूंगा, ठीक है, इस वाले में मैथ्स के लिए, तो उनको लेने की जरूरत है या फिर उनको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस आपको बताऊंगा, उसको फॉलो करना, आपको समझ में आएगा आपको जरूरत है लेने की या नहीं है। और लास्ट में एक बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा जो जिसमें वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि तुमको मतलब लेना है या फिर नहीं लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करेंगे उन बच्चों करेंगे जिनके पास 12th में मैथ रही है ना, और आगे ग्रेजुएशन भी उनके पास मैथ रही है, तो और उनको ठीक ठाक मैथ आती है, ठीक है, एकदम वीक नहीं है मैथ में, ठीक ठाक मैथ उनको आती है। तो ऐसे बच्चों को ना, ऐसे बच्चों को पेड कोर्स लेने की लगभग 99% जरूरत नहीं है। उनको किस चीज़ की जरूरत है? उनको जरूरत है खाली राकेश यादव सर के नोट्स की। एक PYQ की किताब ले लो, किरण या पिनेकल, ठीक है, और इनकी बस प्रैक्टिस करनी है और ये उनके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड ना वो बच्चे हैं जिनके पास 12th तक मैथ्स थी लेकिन ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है, और पकड़ जो है ना मैथ्स पे वो इतनी अच्छी नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो वो क्या कर सकते हैं ना, तुम लोगों को मतलब ऐसा नहीं कि तुमको कुछ नहीं आता, ठीक है, तुमको आती है चीज़ें, तुम भूल गए हो बस, ठीक है, अभी मैथ्स काफ़ी ओके ओके आ रही है। तो तुम क्या करो ना, तुम पहले YouTube से जाके जो तुम्हारे टॉपिक वीक है ना उनको एक बार देख लो। सबसे पहले तुम अभी एक दो ना मॉक उठाओ, ठीक है, एक दो मैथ्स के मॉक उठाओ प्रीवियस ईयर वाले, और देखो कि तुमको कितने सवाल आ रहे हैं, तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर तुमको ठीक ठाक आ रहा है तो तुमको जरूरत नहीं है, तुम YouTube से भी पढ़ लोगे ना फ्री में, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और तीसरे वो बच्चे हैं जिनको मैथ्स के नाम पर कुछ नहीं आता, जिनके पास ना ग्रेजुएशन मैथ रही है, 10th के बाद उन्होंने मैथ देखी नहीं है, ठीक है, और SSC की मैथ तो उनको बिल्कुल नहीं आती। तो ऐसे बच्चों के लिए ना सबसे पहले उन्हें क्या करना है कि अभी 2022 वाला जो पेपर है, ठीक है, 2022 का जो पेपर हुआ है मैथ्स का, वो उठाना है और उसमें देखना है कि उनके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, उनसे अगर मतलब बिल्कुल 10 सवाल भी नहीं हो पा रहे हैं 30 में से, तो उनको डेफिनेटली पेड कोर्सेज की तरफ वो जा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे टीचर हैं, वो अपन नेक्स्ट में बात करेंगे कि कौन से बच्चों को किस तरफ जा रहे हैं फ़ायदा रहता है। तो काफ़ी वीडियो अवेलेबल है हर एक टीचर के, आप देखिए वहाँ जाइए। ठीक है, आप 20 अगर क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है, यूट्यूब से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ लीजिए जिस जिस टॉपिक में कमियां हैं, और प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए क्वेश्चंस पे। ठीक है, और अगर आप मतलब 20+ क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ठीक है, 20+ क्वेश्चन कर दे रहे हैं, फिर आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मैथ्स की, अगर इस CGL 22 का जो पेपर हुआ है उनके सवालों को। ठीक है, तो इतना सा ही है कि खुद डिसाइड कर सकते हो तुम, तुमको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, और उसके बाद तुम जा सकते हो। तुम वैसे पूरा पेड कोर्स तुमको लेने की जरूरत है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन तुमको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है ना तो फिर तुम जा सकते हो टीचर को रिफर करने। ठीक है, यूट्यूब पे काफ़ी सारा फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, और लेकिन उनको मन ही हो रहा है कि मैं बिल्कुल प्लान नहीं कर पाता हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो वजह से होता है ना कि यार मेरे को गाइडेंस की जरूरत ही जरूरत है, मैं बिना टीचर के प्लान ही नहीं कर सकता चीज़ें। ठीक है, मुझे नहीं पता पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कुछ नहीं पता है, तो फिर आपको डेफिनेटली पेड कोर्स की तरफ जाना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन कितना पैसा ले रहा है, ठीक है, क्या प्राइस है पेड कोर्स की, आप उस टीचर को देखिए और आपको समझ में आ रहा है ना उसका, और आपको लग रहा है कि अगर मैं इनको फॉलो करूंगा तो मेरे मार्क्स आ जाएंगे और मैं क्लियर कर दूंगा SSC, तो आप डेफिनेटली उस तरफ जाइए। कोई कुछ कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ किसी की मत सुनिए। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन हो जाएगा ना तो कोई मैटर नहीं करता आप कोचिंग लेके सिलेक्शन ले रहे हैं या नहीं लेके ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है कि आपको जरूरत है या नहीं, क्योंकि पेड कोर्सेज में क्या क्या होगा कि 2-3 घंटे की उनकी वीडियो होगी, तो उनसे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करने पड़ेंगे। तो उस तरह से आपको फोकस रखना पड़ेगा कि यार आप ये सब चीज़ें एक दिन में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप कर पा रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, जरूरत है तो बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है,